गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत रेवंतराज मैथमेटिक्स पर। हम बात कर रहे थे राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर में, हमने लोक देवता का पढ़ा था। कल हम बात कर रहे थे पंच पीरों में और हमने सो ट्रिक के साथ जाना था पंच पीर। हाँ, सभी आ जाइए, लाइव आ जाइए, सभी दोस्तों को शेयर कर दो। हमारे रोजाना की तरह क्लास 10 बजे। आर्ट एंड कल्चर में हम पढ़ रहे थे लोक देवता, और लोक देवता में हमने कल पंच पीरों में से हमने रामदेव जी पढ़ा था। एक बार में वापस जो पंच पीर है, हमारे पांचों पीर, उनके बारे में एक बार वापस चर्चा कर लेते हैं ट्रिक के साथ। पंच पीर कौन से हैं जल्दी से कमेंट करके बताइए। पंच पीर, शाबाश। बिल्कुल सही, पंच पीरों में हमने शॉर्ट ट्रिक ली थी, राम, गोपाल है। एक बार वापस देख लेते हैं, कल की क्लास में हमने ये जाना था सब। रा का मतलब रामदेव जी, मे का मांगलिया मेहाजी, गोगा जी, पाबू जी, और हे का हड़बू जी। हमने कल रामदेव जी पढ़ लिया था। आज बात करते हैं हम पंच पीरों में दूसरा, गोगा जी। कौन सा लेते हैं? गोगा जी। गोगा जी गो रक्षा के लिए अपने प्राण देने वाले और सर्प दंश से मुक्ति दाता के लिए जाने जाते हैं पंच पीरों में से गोगा जी। गोगा जी को गोरक्षक देवता, गोगा जी के उपनाम गोरक्षक देवता, सांपों का देवता, सांपों का देवता, हिंदू इन्हें नागराज, हिंदू इन्हें नागराज कहते हैं, और मुसलमान, कल हमने एक चीज बताई थी, मुसलमान जिसको पूजते हैं उनको किस नाम से? पीर के नाम से पूजा जाता है, जैसे रामसा पीर, गोगा पीर। तो मुसलमान इसको किस नाम से पूजा करते हैं? गोगा पीर, गोगा पीर। और एकमात्र लोक देवता गो रक्षा के लिए लड़ते हुए ये इन्होंने प्राण दे दिए थे, और इन्होंने गोगा जी ने युद्ध किया था गायों को छुड़ाने के लिए महमूद गजनवी से। किससे युद्ध किया था? महमूद गजनवी से, महमूद गजनवी से युद्ध किया था, और महमूद गजनवी से लड़ते हुए इन्होंने अपने प्राण न्योछावर कर दिए थे। तो महमूद गजनवी ने गोगा जी को कहा था जहार पीर। क्या कहा था? जहार पीर। अब बात करते हैं, ये तो गोगा जी के उपनाम थे गोरक्षक देवता, सांपों का देवता, हिंदू इन्हें नागराज, मुस्लिम इसे गोगा पीर के नाम से जानते हैं। और गोगा जी मोहम्मद गजनवी से युद्ध करते हुए अपने प्राण न्योछावर कर दिए थे, तो मोहम्मद गजनवी ने गोगा जी को जहार पीर कहा था। बात करते हैं, इनकी एक छोटी सी ट्रिक लेते हैं आपको अपना, जिस प्रकार हमने कल एक रामदेव जी के बारे में लिया था, उसी प्रकार इसके सामान्य परिचय के लिए एक छोटी सी ट्रिक लेते हैं गोगा जी के बारे में। देखिए, साथ में आपको नोटबुक रखनी है, साथ के साथ लिखते जाना है, और जो क्वेश्चन आते हैं उसके जल्द से जल्द आप कमेंट करके आंसर बताइए। इसके लिए एक छोटा सा शॉर्ट ट्रिक है, गोचू जेबा केन, गोचू जेबा केन। अब देखिए, कल हमने जिस प्रकार पंच पीरों में जाना था, राम गोपाल है,
उनमें हमने पंच पीरों के बारे में जाना था, उसी प्रकार रामदेव जी में हमने जाना था राउ आम बेन, उसी प्रकार गोगा जी में देखो क्या होता है, गो का गोगा जी क्या होता है, गोगा जी चू चू चूरू राजस्थान का जिला जिसमें आता है गांव ददरेवा, जहां इनका जन्म स्थान है जे जेवर, इनके पिता बे का मतलब बाछल, इनकी माता और के का मतलब केलम दे, जो गोगा जी की पत्नी थी, और ने नीली घोड़ी सवारी का वाहन नीली घोड़ी जिसको एक अन्य नाम से जाना जाता है गोगा बप्पा के नाम से, किस नाम से जाना जाता है गोगा बप्पा के नाम से। एक बार वापस देख लेते हैं, देखो गोचू जेबा केन गोगा जी, चू चूरू दत्रेवा इसका जन्म स्थान, जे जेवर इसके पिताजी गोगा जी के, बाछल माता, कैलमदे पत्नी, नीली घोड़ी जिसको अन्य नाम से जाना जाता है गोगा बप्पा। अब देखो एक गो से बनता है गोगा जी, और इसके गुरु हुए थे वो भी इसका नाम आता है गुरु गोगा जी के, गुरु गोरखनाथ, गोरखनाथ ये गोगा जी के गुरु थे। ये हो गया था एक गोगा जी का सामान्य परिचय। गोगा जी के पुत्र हुए, उनका नाम था केसरिया जी, क्या नाम था केसरिया जी। गोगा जी के पुजारी, एक छोटा सा क्वेश्चन, रामदेव जी के मंदिर में पूजा करने वाले पुजारी को क्या कहते हैं, जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइए। शाबाश नीलम का बहुत अच्छा आंसर, रिखिया, क्या कहलाते हैं रिखिया। गोगा जी के मुस्लिम पुजारी, गोगा जी के मुस्लिम पुजारी क्या कहलाते, चायल, चायल। और इनका जो मंदिर है, मंदिर को बोला जाता है थान, जो खेजड़ी वृक्ष के नीचे, खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है, खेजड़ी वृक्ष के नीचे। इसके मंदिर की पंच पीरों में गोगा जी के मंदिर की एक अलग विशेषता है, इनका जो मंदिर है उसकी आकृति है वो मकबरे नुमा है, मकबरे नुमा आकृति का, जिसका निर्माण करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने, निर्माणकर्ता कौन है, फिरोज शाह तुगलक। और मकबरे नुमा यह आकृति है मंदिर की, और इस पर एक नाम लिखा हुआ है बिस्मिल्ला नाम अंकित है, बिस्मिल्ला नाम अंकित है। साथ के साथ अपनी नोटबुक में नोट करते जाइए। जब ये मोहम्मद गजनवी से युद्ध करते हुए अपने प्राण न्योछावर कर दिए हैं, तो इसके बारे में एक मान्यता है, कहते हैं कि इनकी जो सिर था, सिर वो ददरेवा चूरू में गिरा था, कहां पर गिरा था, ददरेवा चूरू में गिरा था,
और जहां पर जो ये सिर गिरा था उसको बोलते हैं शीर्ष मेड़ी या शिद मेड़ी। आओ, इसकी धड़ जो गिरी थी गोगा मेड़ी में, धड़ कहां पर गिरी थी? गोगा मेड़ी। और गोगा मेड़ी आता है आपके हनुमानगढ़ में, जिसे कहते हैं दूर मेड़ी। अब देखो, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है शीर्ष मेड़ी या दूर मेड़ी, तो आपको दिया होगा चार ऑप्शनों में ददरे व चूरू, गोगा मेड़ी, हनुमानगढ़ और दो अन्य जिलों के नाम दे दिए जाएंगे, जिसमें आपका आंसर होगा ददरे व चूरू, जहां पर शीर्ष मेड़ी गोगा जी मोहम्मद गजनेशी से युद्ध करते हुए अपने प्राण न्योछावर किए थे, तो उसके सिर था वो जाके आपके ददरेवा गांव चूरों में गिरा था, जिसे शीर्ष मेड़ी या सिद्ध मेड़ी कहा गया, और दर थी जो गोगा मेड़ी हनुमानगढ़, जिसे कहते हैं दूर मेड़ी। और जो ये इसके मंदिर है और इसका वर्तमान स्वरूप है वो दिया था गंगा सिंह ने दिया था। देखो, मंदिर किसने बनाया था मकबरे नुमा आकृति का? फिरोज तुगलक ने। लेकिन जो वर्तमान स्वरूप का मतलब है कि अभी वर्तमान में जो मंदिर बना हुआ है उसका स्वरूप दिया था किसने? दिया था गंगा सिंह ने। और इसको एक अलग नाम से भी जाना जाता है, भारत का भागीरथ। क्या बोला जाता है? भारत का भागीरथ गंगा सिंह। अब देखो, इसका मेला पड़ता है गोगा जी का, वो भाद्रपद कृष्ण नवमी को मेला, भाद्रपद कृष्ण नवमी मेला पड़ता है आपके गोगा मेड़ी में। और गोगा मेड़ी कहाँ है दोस्तों, जल्दी से कमेंट करके बताइए। गोगा मेड़ी है हनुमानगढ़ में, और दूसरा मेला लगता है गोगा जी का, दूसरा मेला लगता है गोगा जी की ओलड़ी। जो आती है आपके सांचोर जालोर। और सांचोर जालोर को देखो, एक अच्छा क्वेश्चन बनता है, जिसे कहते हैं राजस्थान का पंजाब। साथ में कुछ अतिरिक्त जानकारी आप एकत्रित करते जाइए, आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। देखो, गोगा जी के बारे में बहुत मान्यता है, जब हमारे किसान खेत की बुआई करते हैं तो उस समय हल और हाली पर एक गोगा राखड़ी बांधते हैं। जैसे अब बरसात की शुरुआत हो चुकी है, जैसे ही किसान खेत जुताई करते समय हल और हाली पर गोगा राखड़ी बांधते हैं। जिसमें इस गोगा राखड़ी में मान्यता है कि 9 घंटे होती है। क्या होती है? 9 घंटे होती है। देखो, ये सवाल एक बार पूछा गया कि गोगा राखड़ी में मान्यता के अनुसार कितनी घंटे होती है, तो कितनी घंटे होती है? 9 घंटे। या क्वेश्चन पूछा जाता है गोगा राखड़ी
गोगा राखड़ी का संबंध किस देवता से है? गोगा राखड़ी का देखो नाम से पता चलता है गोगा जी, गोगा राखड़ी, गोगा जी का, गोगा जी से संबंध है गोगा राखड़ी का। गोगा जी की भक्ति में जो गीत गाए जाते हैं उन्हें पीर के सोल कहा जाता है। गोगा जी की भक्ति में जो गीत गाए जाते हैं ना उनको कहते हैं पीर के सोल, पीर के सोल। और गोगा जी के दो भाई थे अर्जन और सर्जन, अर्जन वे सर्जन। कहते हैं गोगा जी ने इनकी हत्या कर दी थी क्योंकि इनकी जो अर्जन और सर्जन की गोगा जी की पत्नी कौन थी केमलदेव, उनके प्रति इनकी नजर सही नहीं थी। तो एक बार फिर से वापस इसको रिपीट कर लेते हैं आपको गोगा जी के बारे में कि पंच पीरों में राम गोपाल है, राम में रामदेव जी पढ़ लिया। आज बात कर रहे थे हम गेम गोगा जी की, गोगा जी, गोगा जी का उपनाम गोरक्षक देवता, सांपों का देवता, हिंदू इसे नागराज के रूप में पूजा करते हैं और मुसलमान है जो इनकी पूजा करते हैं गोगा पीर के नाम से। गोगा जी जब गायों के लिए मोहम्मद गजनवी से युद्ध किया था और अपने प्राण त्याग दिए थे तब गोगा जी को जहर पीर किसने कहा था, मोहम्मद गजनवी ने कहा था। अब देखो ये क्वेश्चन बनता है मोहम्मद गजनवी का युद्ध करते समय एक देवता से संबंध है तो वो किससे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए, गोगा जी से। अब एक हमने ट्रिक में जाना था गोगा जी के सामान्य परिचय में, गोचू जेबा केन, गो का गोगा जी और एक गो से और क्या बनता है, गुरु गोरखनाथ जी जो गोगा जी के गुरु थे, चूका चूरू ददरेवा जन्म स्थान, जे जेवर पिता, बाछल माता के केमल दे पत्नी और ने गोगा जी की सवारी नीली घोड़ी जिसको किस नाम से जाना जाता है, गोगा बप्पा के नाम से जाना जाता है। और गोगा जी के पुत्र थे केसरिया जी, गोगा जी के मुस्लिम पुजारी चायल कहलाते हैं, मंदिर थान कहलाता है जो खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है, मंदिर है वो मकबरे नुमा है और इसका निर्माण करवाया था फिरोज तुगलक ने और उस मकबरे नुमा मंदिर पर एक नाम अंकित है बिस्मिल्लाह अंकित है और इसका जो वर्तमान स्वरूप दिया था वो किसने दिया था, गंगा सिंह ने दिया था। और जब ये मोहम्मद गजनवी से युद्ध करते हुए अपने प्राण दे दिए तब कहते हैं इस गोगा जी का सिर है वो ददरेवा चूरू में गिरा था, वो क्या कहलाया था, शीर्ष मेड़ी या सिद्ध मेड़ी और जहां पर दड़ गिरी थी गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में उसे कहते हैं दुर मेड़ी। और इनका मेला भाद्रपद कृष्ण नवमी जिसे हम क्या बोलते हैं, गोगा नवमी बोला जाता है, गोगा नवमी को इसका मेला बढ़ता है, कहां पर बढ़ता है, गोगा मेड़ी हनुमानगढ़, गोगा मेड़ी को और क्या बोला गया है, दुर्मेड़ी बोला गया। और दूसरा मेला है जो गोगा जी की ओलड़ी सांचोर जालोर, देखो इसमें गोगा जी की ओलड़ी है जिसे कहते हैं किल्लोरियों की ढाणी भी, लेकिन आपके लिए बहुत पर्याप्त है, आराम से आप ये पढ़ लो, आपके क्वेश्चन लोक देवताओं में से बाहर नहीं जाएगा। सांचोर जालोर जिसे राजस्थान का क्या कहते हैं, पंजाब कहते हैं। किसान खेत जुताई करते समय हल और हले पर गोगा राखड़ी बांधते हैं और मान्यता के अनुसार उस गोगा राखड़ी में 9 गांठे होती है और गोगा जी के जो गीत है वो पीर के सोल कहलाते हैं। और इनके भाई थे गोगा जी के अर्जन और सर्जन, कहते हैं गोगा जी की पत्नी के प्रति इनकी नजर सही नहीं थी तो गोगा जी ने इनकी हत्या कर दी थी। बताइए ये था आपके गोगा जी से संबंधित दो पीर, एक हो गया रामदेव जी गोगा जी। अब बात लेते हैं हम तीसरा पाबूजी, क्या लेते हैं पाबूजी। अब देखो इन पंच पीरों में से आपके रामदेव जी से संबंधित सवाल बनते हैं, गोगा जी से संबंधित है। अब जैसे बात करेंगे पाबूजी, हड़बूजी, मांगलिया मेहर जी, इनमें इनका इतना विस्तार था
पागुजी, हड़गुजी और मांगलिया मेहर जी में इतना इनका विस्तार नहीं है। आपको इनके विशेष उपनाम है या इसके सवारी वगैरह घोड़ी का ये नाम आपको याद में रखना है। तो पागुजी ये भी पंच पीरों में से जाने जाते हैं, ये भी गोरक्षक देवता, इनके उपनाम पागुजी गोरक्षक देवता, गोरक्षक देवता, लक्ष्मण के अवतार, लक्ष्मण के अवतार। रामदेव जी को किसका अवतार बताया गया है जल्दी से कमेंट करके बताइए। शाबाश बाबू जी को ऊंटों का देवता भी कहा जाता है, ऊंटों का देवता। प्लेग रक्षक देवता, प्लेग रक्षक देवता। देखो ये भी एक प्लेग बीमारी है, किससे फैलती है कमेंट करके बताइए। शाबाश ऊंटों का देवता, प्लेग रक्षक देवता। और कहते हैं राजस्थान में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय है वो पाबूजी को ही जाता है। ऊंट लाने का श्रेय राजस्थान में पाबूजी को जाता है, पाबूजी को। इन्होंने भी गायों की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए थे। इनके बारे में देखो थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक, सामान्य चर्चा के बारे में एक छोटी सी ट्रिक देख लेते हैं। जिस प्रकार गोगाजी में हमने गोचू जेबा केन के बारे में जाना था, उसी प्रकार पाबूजी के बारे में जान लेते हैं। छोटी सी ट्रिक है, क्योंकि आपको इनके पिता, माता, पत्नी या इनके भाई या इनकी जो सवारी घोड़ा है या घोड़ी है उनके बारे में आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। पीके दाख फूंके, देखो पे पाबूजी, साथ के साथ नोट करते जाना दोस्तों। दा दांदल, क्या है दांदल, जो इनके पिता थे। के कमला दे, कमला दे जो इनकी माता थी। ठीक है आपके बताए फुलम दे जो है इनकी पत्नी थी। और के केसर कालमी, केसर कालमी ये पाबूजी की सवारी के लिए घोड़ी थी, केसर कालमी। घोड़ी थी, अब देखिए नीली घोड़ी किसकी थी जल्दी कमेंट करके बताइए। शाबाश बिल्कुल राइट, केसर कालमी का संबंध किस देवता से है, पाबूजी से। बी एस ओ ट्रिक, पीके दाग फूके ये आपको ध्यान में रखना है। देखो ये पत्नी है, इसको एक और भी नाम है सुप्यारी दे, सुप्यार दे या फुलम दे पत्नी थी। गोड़ी केसर काल में थी और राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय किसको जाता है, पाबूजी को जाता है। और ये किस जाति के लोक देवता है, वो रायका जाति, रायका जाति के लोक देवता है। देखो राजस्थान में ऊंट ज्यादा स्वरूप जो है रायका जाति ही रखती है, ये लोक देवता है वो रायका जाति के, रायका, रायका को और क्या कह सकते हो आप, रेबारी,
रायका जाति के लोक देवता है। पाहुजी, जब कभी भी ऊंट बीमार पड़ता है तो पाहुजी की फड़े गह जाती है। देखो, ऊंट बीमार होने पर, ऊंट जब बीमार होता है, बीमार पड़ता है तो पाहुजी की फड़ गह जाती है। बीमार पड़ने पर पाबूजी की फड़ गाई जाती है। यहां पर एक फड़ से संबंधित एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है। देखो दोस्तों, राजस्थान में सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ है वो पाबूजी की है। लोकप्रिय फड़ पाबूजी की, लोकप्रिय फड़ है वो पाबूजी की है। आपके क्वेश्चन बनेगा, देखो, एक सर्वाधिक छोटी फड़, एक सर्वाधिक लंबी फड़, एक लोकप्रिय फड़, तो आपके ये ऑप्शन आ जाता है कि निम्न में से किस देवता की लोकप्रिय फड़ है। तो आपको दे दिया जाएगा तेजाजी, पाबूजी, रामदेव जी, इनमें से आपको बताना होगा। तो आपका आंसर लोकप्रिय फड़ में क्या होगा? पाबूजी होगा। और पाबूजी ने जब कहते हैं शादी के समय ये शादी करने के लिए गए थे, तब इनका जीजा था बेनोई, बेनोई उसका नाम था जीजराव खींची, जीजराव खींची, जिन्होंने देवली चारणी की गायें, जीवराज खींची ने देवली चारणी की गायें की गायों को ले गया। तब इन्होंने अपने बेनोई से युद्ध किया और युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे, युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। कौन? पाबूजी। और युद्ध किससे किया था? जीजराव खिंची से। किसके लिए? देवल चारणी की गायों को छुड़ाने के लिए अपने बेनोई से युद्ध किया और युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। तो ये पंचवीरों में गोरक्षक देवता के रूप में पाबूजी को पूजा जाता है। अब बात करते हैं इनमें पूजा स्थल। देखो कोड़ू, इनका पूजा स्थल है कोड़ू गांव। कहां पर है? कोड़ू गांव में, जहां पर प्रतिवर्ष मेला लगता है, कोड़ू गांव में इनका पूजा स्थल है। और जो मेला बढ़ता है प्रतिवर्ष चेतर की अमावस्या को, चेतर अमावस्या को। अब देखो ये हिंदी मास में क्वेश्चन बहुत अच्छा, चैत्र मास हिंदी मास में हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है, तो पहला महीना कौन सा आता है? चेतर। और अंतिम महीना कौन सा आता है दोस्तों हिंदू नववर्ष में? फाल्गुन। ये आपको अतिरिक्त थोड़ी बहुत जानकारी रखनी है, कई बार आपके सामान्य ज्ञान क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और आप उसमें क्या कर देते हो, जल्दबाजी में गलती कर देते हो। और कोड़ू गांव है आपको पता है कहां पर? फलोदी जोधपुर, फलोदी जोधपुर, जोधपुर में। अब देखो इनसे एक संबंधित क्वेश्चन, फलोदी राजस्थान का, नोट करके अलग से लिख लो इसको, राजस्थान का सबसे सूखा स्थान, सूखा स्थान कौन सा है? फलोदी जोधपुर। ये था आपके पाबूजी से संबंधित। देखो गोगा जी हो गए, पाबूजी हो गए, रामदेव जी हो गए। अब बात करते हैं हम हड़बू जी, छोटे पंच पीरों में लेते हैं हड़बू जी।
साथ साथ लिखे जाना। हरभु जी ये भी पंच पीरों में से एक है। इनका देखो जन्म हुआ था बुडेल नागौर में, जन्म स्थान है कहीं आपको बुंडले मिलता है तो कहीं बुडेल मिलता है। बुंडले आता है आपके नागौर जिले में, नागौर जिले में मेहाजी सांकला के घर हुआ था, मेहाजी सांकला के घर हुआ था, मेहाजी इसका पिताजी है, मेहाजी सांकला के घर हुआ था। जन्म बुंडले नागौर में, मेहाजी सांकला के घर। देखो ये रामदेव जी के मुसेरे भाई थे, रामदेव जी के मुसेरे भाई थे, मोसेरे भाई थे। कौन? हरभु जी। और रामदेव जी के गुरु कौन थे जल्दी से कमेंट करके बताइए। शाबाश, रामदेव जी के गुरु का क्या नाम था? बालीनाथ। क्या नाम था दोस्तों? बालीनाथ। ये बालीनाथ की प्रेरणा से रामदेव जी गुरु बालीनाथ थे, और रामदेव जी की प्रेरणा से रामदेव जी इसके क्या लगते थे? हरभु जी के मोसेरे भाई। और रामदेव जी की प्रेरणा से बालीनाथ को गुरु बनाया था पापू हरभु जी ने। ये एक अच्छे योगी थे हरभु जी, अच्छे योगी, सुगुण शास्त्र के ज्ञाता, सुगन शास्त्र के ज्ञाता। एक अच्छे योद्धा भी थे, सन्यासी भी थे, अच्छे योद्धा वे सन्यासी थे, अच्छे योद्धा वे सन्यासी थे। अब देखो इनका पूजा, पूजा स्थल है वो आपके है बेगटी फलोदी जोधपुर में। बेगटी, बेगटी आपके पड़ता है फलोदी, और फलोदी का अभी मैंने चर्चा की थी, जल्दी से कमेंट करके बताइए फलोदी से क्या संबंधित है। फलोदी आपके पड़ता है जोधपुर में। शाबाश, अच्छा आंसर। फलोदी के बारे में राजस्थान का सबसे सूखा स्थल था। अब देखो पापू जी में पूजा की जाती है, जैसे रामदेव जी में किसकी पूजा की जाती है? पगलियों की पूजा की जाती है, पगलियों की पूजा की जाती है, क्योंकि वो जीवन पर्यंत मूर्ति पूजा के विरोधी थे। यहां पर पूजा बेगटी फलोदी जोधपुर में, और पूजा की जाती है किसकी? गाड़ी की पूजा की जाती है, गाड़ी की पूजा की जाती है। और गाड़ी की पूजा करने का प्रमुख कारण है कि ये पंगु गायों के लिए क्या लेकर आते थे? चारा लेकर आते थे। पंगु गायें थी उनके लिए चारा लेकर आते थे, इसलिए यहां पर गाड़ी की पूजा की जाती है। अभी ये संबंधित था। अब बात करते हैं हमारे अंतिम पंच पीरों में मांगलिया मेहाजी। मांगलिया मेहाजी, मांगलिया मेहाजी ये आपके अंतिम पीर हैं पंच पीरों में। आपके रामदेव जी हो गया, गोगा जी हो गया, पागू जी हो गया, हरभु जी हो गया, मांगलिया मेहाजी पंच पीरों में से एक। ये कामड़िया पंथ से दीक्षित थे। देखो मांगलिया मेहाजी कामड़िया पंथ, कामड़िया पंथ से दीक्षित थे, कामड़िया पंथ से दीक्षित थे। दोस्तों बताइए कामड़िया पंथ किस लोक देवता ने चलाया था? शाबाश, कामड़िया पंथ किसने चलाया था? रामदेव जी ने चलाया था। ये जैसलमेर की पोस्ट थी, और जैसलमेर की तरफ से राव रानंगदेव बाटी के विरुद्ध लड़ते हुए, जैसलमेर की फौज राव रानंगदेव, राव रानंगदेव, राव रानंगदेव के विरुद्ध
लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। तो इसका मुख्य मंदिर बापनी जोधपुर में है। मुख्य मंदिर कहाँ है दोस्तों? बापनी जोधपुर में, बापनी जोधपुर में मंदिर है। और इनका मेला लगता है पतिव्रत भाद्रपद, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। देखो दो पक्ष आते हैं, एक आता है शुक्ल पक्ष और एक आता है कृष्ण पक्ष। तो आपको ध्यान में रखना है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी मतलब कृष्ण जन्माष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी। और कृष्ण जन्माष्टमी का संबंध किससे दोस्तों? जल्दी से कमेंट करके बताइए। शाबाश, श्री कृष्ण भगवान का। तो श्री कृष्ण का अवतार किसको माना गया है? जल्दी जल्दी से कमेंट करके शाबाश। और इनका मेला लगता है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। और इनका घोड़ा है किरण काबरा, किरण काबरा घोड़ा है जो किसका है? मंगलिया मेहाजी का। ये हमारे दोस्तों पंच पीर हुए थे। अब बात करेंगे अगली क्लास में अन्य लोक देवताओं में। इसके लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।